इंटीग्रेशन प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए थे इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में हम लोग फार्मूले बताया था सम स्टैंडर्ड रिजल्ट और उसको आपको बताया गया कि मोस्टली जितने टाइप के पास इंटीग्रेशन बनते हैं जिसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हम नहीं जानते उसके बारे में मैंने भी डिस्कशन किया था आपको। तो जैसे हम लोग जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूले साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स में पढ़ते हैं कुछ फार्मूले आपको इस रूप में बताया गया था कि जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास नोन नहीं है उसका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आगे बढ़ाया जाएगा उसके थ्रू होता है। बट एक शॉर्ट हैंड रूल मैंने आपको राइट किया था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इसके आपके पास डायरेक्टली मैंने आपको राइट डाउन किया था लॉग ऑफ एफ एक्स हियर इस टाइप के इंटीग्रेशन है सब राइट। जब ये इस टाइप के इंटीग्रेशन आपके पास बनते हैं तो इसको इसको यूज कर लेते हैं ये आपके पास ये डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपके पास लॉग ऑफ एक्स होता है। इसमें न्यूमेरिकल भी मैंने आपको समझ किया था और आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है इंटीग्रेशन का तो फर्स्ट टाइम हम लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग रिमेंबर किए हैं ड्रॉप किए हैं हमारे पास अचीव है उसके रूप में ट्रांसफर कोई भी प्रॉब्लम है उसको उस रूप में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ आज सम प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था एक इंटीग्रेशन आपके पास इसको होल्ड करना ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम के रूप में बताया था इस टाइप का इंटीग्रेशन है मेरे पास जिसको ये मेंशन किया गया था क्वेश्चन आपको वो सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स इस टाइप इंटीग्रेशन करना डिनोमिनेटर तो इंटीग्रेशन करने के लिए फर्स्ट टाइम हम लोग बताया था कि जैसे भी किसी का इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना सोल्यूशन ले जाना है आपके पास इसको लेट कर लेते हैं आई इंटीग्रेशन के लिए इसको आपको रिमेंबर के लिए जब इस टाइप के प्रॉब्लम आपके पास बनता है इसमें देखिए एक सब्स्टिट्यूशन रूल्स अप्लाई करना किसी किसी में इस टाइप की प्रॉब्लम को पहले ही गिवन कर दिया गया बट इसको इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन रूल हम लोग ऐसा कुछ प्रूव करते हैं कि दूसरे का स्थान पे बन तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन करते समय हम लोग फर्स्ट टाइम इसको कन्वर्ट करेंगे जिसका रिजल्ट हम लोग जानते हैं ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन नहीं होता है जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है इसलिए इस इंटीग्रेशन करते समय जब इस टाइप का ही आपके पास आए यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा हो ए प्लस बी हो जो भी हो किसी टाइप हो तो ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसी इक्वल टू यहाँ जो एल बना रहा है वैल्यू एंगल की वैल्यू दिया गया है उसी इक्वल टू एक अनदर वैल्यू सब कुछ चूट कर लिया पुट कर लिया जाए तो यहाँ हम लोग इसमें पुट करेंगे पुट एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू हमने सपोज कर लिया टी लिख कर एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू टी अनदर वैल्यू एंड फाइंड वैल्यू ऑफ टी सॉरी एक्स इक्वल टू टी माइनस अल्फा पुट एक्स प्लस अल्फा डिनोमिनेटर इक्वल टू ऑलरेडी हमेशा डिनोमिनेटर इक्वल टू पुट करेंगे एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू टी और कोई जरूरी नहीं कि टी लेट करिए आप कुछ भी लेट कर सकते हैं बट हमने सपोज कर लिया टी एंड एक्स की जो वैल्यू है वैल्यू उसको फाइंड कर लिया इसके बाद एक पॉइंट जो हम बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखिए जब आप एक पॉइंट जहां भी सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं तो जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं
उसको इसके इंटीग्रेशन करना, उसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, मींस एक्स प्लस अल्फा इज टू टी, आप सभी चूट किए हैं, तो इसको दोनों पक्षों को, दोनों साइड को, बोथ साइड को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन, अल्फा इज कांस्टेंट जीरो एंड डी टी अपॉन डी एक्स। हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी, ए वैल्यू प्राप्त हो जाए, देन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इन प्लेस ऑफ एक्स टी माइनस अल्फा, टी माइनस अल्फा आल्सो माइनस अल्फा इन प्लेस ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई साइन टी, दैट सॉल्विंग इन इंटीग्रेशन साइन टी माइनस टू अल्फा डी टी डिवाइड बाई साइन ऑफ टी, अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ टी माइनस टू अल्फा मीन्स साइन ए माइनस बी, हियर टी इज ए एंड टू अल्फा इज बी, आई इक्वल टू अप्लाइंग फॉर्मूला साइन टी माइनस टू अल्फा साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, मीन्स साइन टी इंटू कॉस टू अल्फा माइनस कॉस टी इंटू साइन टू अल्फा टोटल डिवाइड बाय साइन टी। हियर साइन टी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, अप्लाइंग कर साइन टी विल बी डिवाइडेड बाय, देखिए आई इज इक्वल टू सेपरेटली इफ यू देखिए साइन टी से डिवाइड विल बी कैंसिल आउट कॉस 2 अल्फा डी टी सेपरेट कर दिया जाएगा माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी इंटू साइन 2 अल्फा डी टी इंटीग्रेशन। हियर साइन 2 अल्फा हियर द इंटीग्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट टू टी, 2 अल्फा इज कांस्टेंट, आई इक्वल टू कॉस 2 अल्फा इंटीग्रेशन डी माइनस साइन 2 अल्फा इंटीग्रेशन कॉस टी अपॉन साइन टी डी। हियर इंटीग्रेशन ऑफ डी I equal to cos 2 alpha will be constant, same condition, integration dt, आपको बताया गया था, dx का integration, x, dt का integration क्या हो जाएगा, t, here, integration of dt equal to, into t, minus, sin 2 alpha, integration of cos 2 upon sin t, फार्मूला मैंने आपको मेंशन किया था एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स, हियर साइन टी कॉस टी, एफ एक्स एफ डैश एक्स, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन करना होता है तो हियर दिस फार्मूला आर यूज इनटू log of sin t, sin t plus integration constant c, integration constant c and putting the value of t
x plus alpha. Here I equal to cos 2 alpha into x plus alpha. And here we can connect in form x plus alpha into cos 2 alpha minus sine 2 alpha into log of sine x plus alpha plus integral constant c, which is the derivative. सेम कंडीशन है, इस टाइप का इंटीग्रेशन है, तो फर्स्ट टाइम आपको इसको यूज करके और जो फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, जो भी फॉर्मूले आपको करेंगे उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ए फॉर्मूले आपको रिजल्ट का काम करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट एक कोई क्वेश्चन फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन करते समय कई क्रिटिकल टाइप केसेस बनते हैं. एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कशन करने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो अभी आपके पास यहाँ होल्ड करें. उसके फर्स्ट काइंड एक टॉपिक और आपको लोअर क्लास में बताया गया होगा. एक हम लोग कहीं भी कोई फंक्शन अगर आपके पास गिवन है और वो भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में गिवन है, मींस रेशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइड बाय साइड किया गया है, इसके लिए आपको एक फार्मूला आप सब रिमेंबर करेंगे. न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर इक्वल टू क्यू मींस कोएफिशिएंट प्लस आर बाय डी या डी आर करेंगे. ए आल्सो रिमेंबर रखिए बताइए मींस न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर इक्वल टू प्लस आर बाय डी क्वेश्चन रिमाइंडर एंड डिवाइड. ए आल्सो फॉर एग्जांपल ए सपोज कि हमारे पास 10 बाय 3 राइट डाउन करते हैं. अब 10 में अगर हम लोग 3 का डिवाइड करेंगे तो ए आपके पास हो जाता है 391. ए मींस क्यू आर एंड डी आर या डी डिवाइड. इसको जब हम लोग राइट डाउन करेंगे 10 बाय 3 इक्वल टू यहां फॉर्म क्यू क्यू मींस 3 प्लस रिमाइंडर आर मींस 1 बाय डी मींस 3. इसको सॉल्व किया जाए तो 10 बाय 3 प्राप्त हो जाता है. इसी फॉर्मूले से आल्सो आप लोग एक मेंशन फॉर्मूला रिमेंबर रखेंगे कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इक्वल टू क्यू प्लस आर बाय डी आर. इसको नोट करना है आपको, इसको फॉर्मूले को रिमेंबर करना है. 11th में कहीं मैंने आपको बताया भी था बट आज फिर से इसको मेंशन कर दे रहे हैं. एक क्यू प्लस आर बाई डी न्यूमेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाई डिविजन. नेक्स्ट ये रूल समझते रहे पढ़ते बट हम लोग जो इंटीग्रेशन में टॉपिक अभी आपको पढ़ना है इसी में कभी कभी आपको इंटीग्रेशन इस रूप में दे दिया जाता है एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स डी एक्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इसको समझिएगा. एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स वेयर बोथ एलजेब्रिक एलजेब्रिक फंक्शन. इसको ध्यान दीजिए मींस या वन एक्स और एफ टू एक्स दोनों के पास एलजेब्रिक फंक्शन है. उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसको मेंशन करेंगे. अभी आपको न्यूमेरिकल इसका सॉल्व किया जाएगा बट इसको ध्यान दीजिएगा कि यदि इंटीग्रेशन इन दी फॉर्म एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स डी एक्स वेयर द बोथ एलजेब्रिक फंक्शंस आर बोथ फंक्शन बोथ आर एलजेब्रिक फंक्शन आर एलजेब्रिक फंक्शंस. इस टाइप का हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे. और मैंने आपको बता भी दिया था
कि पहले देखिए कभी भी क्वेश्चन में कहीं आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा कि कहेगा कि नहीं इस टाइप पे इंटीग्रेट करिए। यहाँ आइडेंटिफिकेशन मस्ट होता है आपका इंटीग्रेशन में, और वो आइडेंटिफिकेशन करना कैसे है वही मैं बता रहा हूँ आपको, देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा रूल आपको अप्लाई करना है। तो जब हमारे पास इस टाइप के इंटीग्रेशन आ जाए न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर बोथ अलजेब्रिक हो, उसमें क्या करना उसको ध्यान देना है। यहाँ अलजेब्रिक इंटीग्रेशन के लिए इसमें टू टाइप टू कैसे अराइज़ इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इस चार्ट रूप में ऐसे ही मेंशन करेगा। इफ केस नंबर फर्स्ट हमारे पास है और केस नंबर सेकंड, ये सपोज करिए केस फर्स्ट और ये आपके पास केस सेकंड है, कैसे इसको सॉल्व करना। अब केस फर्स्ट में क्या करना है, एक यहां से मेंशन कर रहे हैं एक f1 x डिग्री ऑफ f1x is greater or equal greater or equal if the degree of f1x means numerator degree greater or equal degree of of f2x. If degree of f1x greater or equal degree of f2x, then using the by divide root, and f1x upon f2x is equal to q plus r by d, means numerator में denominator का क्या कर दिया जाएगा, divide कर दिया जाएगा और उसको mention किया जाएगा q plus r by d। और एक केस कभी हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास f1x की जो डिग्री होगी f2x के इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए। अभी एग्जांपल पाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। केस नंबर सेकंड में क्या होगा, इफ डिग्री ऑफ f1x इज लेस देन degree of f2x, then by using partial fraction इसको आप लोग आपको remember करेंगे if the integration of in this type, then yes first में अगर हमारे पास दोनों फंक्शंस क्या हैं एलजेब्रिक हो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में, फंक्शन हमारे पास एलजेब्रिक हो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने आपको राइट आउट कर दिया बोथ आर फंक्शंस आर एलजेब्रिक, मींस x पावर n के रूप में कोई फंक्शंस हो बोथ, तो इसको टू टाइप्स पहले ध्यान देना है आपको। पहले चेक करना है इन न्यूमेरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है या ग्रेटर है। जब इक्वल या ग्रेटर हो जाएगा तो पहले हम लोग न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे और उसको इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे टू प्लस आर बाई डी से, इसके बाद इंटीग्रेशन उसका बन जाएगा। सेकंड केस क्या होता है, इफ द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर या f1x इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो जाए, तो उसके यूजिंग के लिए उसका इंटीग्रेशन करने के लिए बस ओनली फॉर एक ही मेथड है बाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो हम लोग बाई पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो बट अभी पार्शियल फ्रैक्शन पे आगे पढ़ना है आपको, मोस्टली हमें क्या करना है इस रूट पे आप पिक करना है। तो इसको आप क्लियर हो गया होगा कि
जब हमारे पास इस मेथड को कब यूज करना है, समझिएगा बिल्कुल क्लियर, जब हमारे पास कोई इंटीग्रेशन इस टाइप हो, f1x upon f2x both are algebraic functions, then using by two methods, if f1x is greater or equal, if the degree of f1x is greater or equal degree of f2x, then using by the divide tool, then using by divide root and f1 x upon f2 x equal to q plus r by d, इसका यूज करेंगे। और फिर next time अगर हमारे पास degree denominator की f2 x नीचे वाली degree या greater हो जाएगी, तो हम लोग उसको integrate करेंगे by partial fraction इसको लो। Next आपको पढ़ाया जाएगा, but इस पर numerical आपको ये solve करना है। For example आते हैं clear हो जाएगा भी आप। इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, इंटीग्रेशन एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स, एक प्रॉब्लम आपके पास गिवन है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो इंटीग्रेट करते समय हम लोग सॉल्व करेंगे, सोल्व करेंगे आई, लेट आई इक्वल टू एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको आपको डिवाइड करना है। अब यहाँ थोड़ा सा आइए न्यूमेरिकल के लिए, ऐसे क्यों क्लियर रहेगा इंटीग्रेट, अब आपको कौन सा मेथड यूज करना है, क्या करना है उसको क्लियर करना है। तो फर्स्ट टाइम पे हमने बताया आपको कि अगर कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन दिया गया हो और दोनों एल्जेब्रिक हो, मैंने सभी हमने इस रूप में राइट डाउन किया था रूल में, f1x अपॉन f2x इंटीग्रेशन ऑफ dx और बोथ हर एल्जेब्रिक, क्योंकि ये एल्जेब्रिक है ये भी एल्जेब्रिक, तो इसका इंटीग्रेशन करते समय हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो आपके पास देखा जाएगा कि यदि f1x ऊपर की डिग्री ग्रेटर हो या इक्वल हो तो हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, या डिनोमिनेटर डिग्री मीन्स f2x की डिग्री बड़ी हो जाए ग्रेटर हो जाएगा न्यूमरेटर से उसको यूज करते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें देखिएगा न्यूमरेटर f1x की डिग्री 4 है और f2x की डिग्री क्या है 2 है, इससे क्लियर है इसकी डिग्री अधिक है, और जब डिग्री अधिक हो गया तो केस नंबर फर्स्ट में आता है, और केस नंबर फर्स्ट में जब आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। रफली मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ, मीन्स यहाँ आपको डायरेक्टली आपको राइट डाउन नहीं करना है, क्वेश्चन में मैंने डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड करने का जो रूल होता है उसको मैं बता दे रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में नहीं है उसको राइट करना है, आप किसी दिन से कर सकते हैं। एक्स पावर फोर प्लस वन डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन से, जब यहाँ डिवाइड करेंगे ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आपका एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड माइनस माइनस कैंसिल आउट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन हियर माइनस वन टेक करेंगे माइनस वन टेक करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटरचेंज दी साइन, जब इंटरचेंज दी साइन करेंगे तो हमारे पास एक आप हो जाएगा माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट प्लस एंड प्लस विद टू हियर क्यू आर एंड डी। फार्मूला को जानते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू क्यू प्लस आर बाई डी, एक काम आपको रफली में करना रफ में करना है, या डायरेक्टली अगर आपको मेंशन करना है डिवाइड कर लेना तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसके इक्वल टू हम लोग राइट डाउन करेंगे क्यू प्लस आर बाई डी मीन्स क्यू क्योंकि वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस आर आर मीन्स टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन टोटल डीएक्स।
ये तो रफ में काम करना, नाउ अप्लाई दीज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस टू विल बी कॉन्स्टेंट आउटसाइड डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अगर यस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई एक्स पावर एन आई इक्वल टू एक्स टू बाई थ्री एक्स पावर एन टू प्लस वन बाई टू प्लस वन थ्री माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स प्लस टू हियर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स पावर वन प्लस एक्स स्क्वायर इज नोन एज टैन इनवर्स एक्स टू इंटू टैन इनवर्स एक्स लास्ट टाइम एडिंग द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी विच इज द रीजन. ऐसे ही सेम टाइप्स के जो प्रॉब्लम बनते हैं मेरे पास, जब भी कोई इंटीग्रेशन बनता है एलजेब्रिक नहीं बनता है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि जिस किस टाइप के इंटीग्रेशन बन रहा है. और एलजेब्रिक में अगर हमारे पास डिग्री डिनोमिनेटर की बड़ी हो रही है, डिनोमिनेटर डिग्री बड़ी हो रही है तो हम लोग बाई पास सबट्रैक्शन करेंगे, न्यूमरेटर डिग्री ग्रेटर हो रही है तो बाई डिवाइड रूट इसको बोलते हैं और फार्मूला बनता है क्यू प्लस आर बाई डी. और इस पोर्शन को ऑलरेडी आप लोग इसमें यूज करेंगे रफ में, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे. इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं आप, मीन्स मेन रिजल्ट यही है कि जिस टाइप का आपके पास इंटीग्रेशंस है उसको फर्स्ट टाइम हम लोग चेंज करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में. और जब तक आप स्टैंडर्ड रिजल्ट रूप में नहीं चेंज कर पाएंगे तब तक उसका इंटीग्रेशन बन नहीं पाएगा. और आपको हमेशा टॉपिक को चूज करना है कि किस टाइप का इंटीग्रेशन बनना है. एक इंटीग्रेशन और आपको सॉल्व कर दिया जा रहा है, हियर सॉल्व करना है इंटीग्रेशन dx अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x. सॉल्यूशन में तो रेट करेंगे इसको i इक्वल टू, देखिए यहां पे इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, बट इसको मुझे कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन के रूप में. और एक बात ध्यान दें, जब यहाँ स्क्वायर फंक्शन हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर फंक्शन हैं, तो देखिए स्क्वायर फंक्शन के रूप में हम लोग दो ही टाइप के इंटीग्रेशन जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं आप और फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं हम लोग, माइनस कॉट एक्स. इसको ध्यान देना है कि किसी रूप में मुझे बना देना. अब यहाँ इसको डायरेक्टली कर नहीं पाएंगे तो हम लोग फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. ये वन इंटू डी एक्स वी कैन रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स विच इज डाउट टर्म साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स सेपरेटली डिवाइड बाई दिस आई इक्वल टू साइन स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट वन अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट वन अपॉन साइन स्क्वायर dx we can rewrite in the form sec square x plus cosec square x dx. Here we can in standard form we can rewrite in the standard form, we write down the standard form mein. So then the integration of these I equal to tan x इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी विच इज द रिजल्ट. इससे क्लियर हुआ जितने टाइप के इंटीग्रेशन जब हमारे पास बनेंगे तो फर्स्ट टाइम हम लोग उसको स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और जब स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तभी उसका इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे. ये आपके पास जनरल फॉर्मूले के रूप में इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया, कल नेक्स्ट टाइम में आपको पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन का बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन. कुछ प्रॉब्लम है बेटा, थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन बन जा रही है, क्लास बीच में मिस्टेक हो जा रही है मेरी,
पटकल क्लास रहेगी आपकी, ओके।